अज भी भारत में एक इहो जिहा आदिवासी कबीला रह रहा है जिहड़ा कि पिछले 55,000 सालों तो इकल्ले ही रह रहा है ते बाहर दी दुनिया बारे कुछ नहीं जानता। जिन्ना भी लोगों ने इन्हां नाल कंटैक्ट करन दी कोशिश कीती, इन्हां कोले जाण दी कोशिश कीती, वो वापस मुड़ के नहीं आए। एक अमेरिका दे व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं इन्हां दे कोल जावांगा। इसने गैर कानूनी तरीके नाल भारत दे ए आइलैंड ते जाण दी कोशिश कीती ते अपने नाल कैमरा, मच्छियां, फुटबॉल ते एक बाइबल दी बुक भी लै गया, क्योंकि ये चाहुंदा सी कि मैं ये आदिवासियों कोल जावां ते इन्हां नूं ईसाई धर्म बारे कुछ पढ़ावां, क्योंकि ये दुनिया आखिरी आदिवासी कबीला जिस दे नाल कंटैक्ट नहीं किया जा सकिया। इसे करके व्यक्ति चाहुंदा सी कि मैं इन्हां नूं ईसाई धर्म बारे कुछ पढ़ावां ते फुटबॉल वर्गियां चीजां भी इसे करके लेके गया कि मैं इन्हां नूं कोई गिफ्ट दे सकां। एक मछुआरे नूं रिश्वत दे के वह भारत दे ए आदिवासियों वाले आइलैंड ते पहुंचा ते अगली सवेर वह आदिवासियों नूं ए चीजां फड़ाउण लई पहलियां दो कोशिशां विच तां बच गया, पर तीसरी कोशिश विच आदिवासियों ने इस नूं मार दिता। जदों साल 2004 विच सुनामी आई तां भारत सरकार ने ए आदिवासियों कोल हैलीकाप्टर दी मदद नाल कुछ खाण पीण दीआं चीजां डब्बे दुनिया जेडे भी आदिवासियों के कबीले रहिंदे ने उन्हां नाल किवें ना किवें कंटैक्ट किया जा चुकिया, पर भारत के एक आइलैंड से आखिरी कबीला रह रहा है जिसके नाल हजे तक कंटैक्ट नहीं किया जा सकिया। हैरानी वाली गल यह है कि इन्हां दा ओरिजिन अफरीका तो है, पर इन्हां दी भाषा किसी भी आदिवासी कबीले नाल मेल नहीं खांदी। ये आपस दे विच जिहड़ी भी भाषा बोलते हैं यही आदिवासी उह भाषा नूं पहचानदे ने। दोस्तों होर भी वधिया वधिया कंटेंट लैके आ रहे हैं, वीडियो चंगी लगे तो लाइक कर दिओ, इहो जिहियां वीडियोज़ देखण लई हुणे सबसक्राइब कर लो।